कोरोना वायरस ने ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक इससे 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और दिनों दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं पूरी दुनिया इस वायरस की वजह से अब तक 9,45,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे तो हर उम्र के लोगों पर इस वायरस का असर हो रहा है, लेकिन किशोरों पर इसका असर सबसे कम देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 20 साल से नीचे के 10% से भी कम लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं और अब तक 20 साल से कम उम्र के 0.2% से भी कम लोगों की इस वायरस के कारण मौत हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि WHO का कहना है कि बच्चों और युवाओं में कोरोना वायरस के खतरे को समझने के लिए अभी और शोध किए जाने की ज़रूरत है। संगठन के डायरेक्टर जनरल ट्रेडर्स अधनोम ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस बच्चों की भी जान ले सकता है, ये हम सभी को पता है, लेकिन उनमें इसका गंभीर संक्रमण नहीं दिखता है। जी हाँ, WHO ने भी माना है कि बच्चों और युवाओं में कोरोना से संक्रमित होने वाले और उससे मरने वालों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन ट्रेडर्स अधनोम का कहना है कि बच्चों और किशोरों पर इस वायरस का प्रभाव अलग तरह से पड़ा है, जैसे कि कई देशों में बच्चों को समय पर ज़रूरी टीका नहीं लगाया गया है, लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसका असर उनकी शिक्षा पर पड़ रहा है। पिछले महीने एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड से लेकर जापान और जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई देशों में नौजवानों को कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कई अधिकारियों का कहना है कि इस उम्र के लोग लॉकडाउन में बोर हो गए हैं, इसलिए अब वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। जापान में 20 और 29 साल के लोगों में सबसे ज़्यादा संक्रमण पाया गया। जी हाँ, कुछ इसी तरह की स्थिति ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई। आपको बता दें कि अब तक की रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि नौजवानों में कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण कम ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं। कई नौजवान मरीजों में भी कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण देखने को मिले हैं, जिसमें उनके फेफड़े तक खराब हो गए हैं। WHO या फिर अलग अलग देशों के तमाम वैज्ञानिकों का यही मानना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा अब सबसे ज़्यादा उन लोगों को है जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, बुज़ुर्ग हैं या फिर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। डायबिटीज़ या फिर दिल के मरीजों को तो सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि सावधानी तो सभी लोगों को बरतनी चाहिए, तभी इस जानलेवा वायरस से बचा जा सकता है। तो आप भी सावधानी बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से कम बाहर निकलें। जी हाँ, और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्यूरेन ही आयुर्वेदा से। सुरभि की रिपोर्ट।